हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी यूट्यूब चैनल वीडियो का मेन मेटू है कि हम कैसे अपने फायरवॉल में वीलैन क्रिएट करते हैं, उस वीलैन को कैसे हम अपने नेटवर्क से इंटीग्रेट कराते हैं, वीलैन आईडी कैसे असाइन करते हैं, कौन से पोर्ट पे वीलैन चलना है, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे आपके पास फुल्ली मैनेज नेटवर्क है और आपने फायरवॉल डिप्लॉय कर लिया है, आप चाहते हैं कि आपके सिस्को का राउ ऑफ स्विचेस है और आपने उनमें सब में वीलैन क्रिएट किया सेल्स के नाम से, एचआर के नाम से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम से, तो उन वीलैन को कैसे हम फायरवॉल से ऑथेंटिकेट करें, पर्टिकुलर उस वीलैन पर कैसे इंटरनेट राउट करें, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद आप मेरे पास इंटरफेस ए बी एंड सी है, तो मेरा इंटरफेस ए लैन है एंड बी वैन है। अब हम चाहते हैं वीलैन ऐड करना, तो वीलैन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ऐड वीलैन पे क्लिक करना पड़ेगा। गाइज, ऐड विलेन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको नाम देना पड़ता है कि आप क्या विलेन नेम रखना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कोई एक नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी टेस्ट के लिए तो मैं यहाँ पे सेल्स रख देता हूँ और यहाँ पे कुछ देना नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन से पोर्ट पे करना चाहते हैं, हम पोर्ट ए हमारा लाइन, हम पोर्ट ए पे करना चाहते हैं। अब यहाँ से पूछ रहे हैं कि आप उसको जो क्रिएट करेंगे उसको लाइन जोन, वाइन जोन, डीएम जोन बनाना चाहते हैं, वाईफाई जोन बनाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हम वाईफाई कलेक्ट कर लेते हैं, हम वाईफाई के लिए बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम लाइन क्लिक करते हैं फिर नेक्स्ट वाईफाई क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विलेन आईडी क्या रहेगी, तो हम यहाँ पे विलेन आईडी 1000 रखेंगे। सॉरी गाइज, यहाँ पे हम विलेन आईडी 101 रखेंगे, ये हमारा सेल्स के लिए 101 होगा। अब यहाँ से गाइज हमको पूछ रहा है, यहाँ पे एक्शन यहाँ पे आ रहा है कि असाइन आईपी एड्रेस को, यहाँ पे हमें जब वो विलेन चालू होगा तो उसके लिए कुछ इस प्रकार का 5.1 नेटवर्क उसको असाइन होना चाहिए। तो मैं इसको इस प्रकार करूंगा और यहाँ पे बाकी कुछ नहीं देना आपको है और सेव करना। आप चाहेंगे तो यहाँ पे डीएससीपी भी रख सकते हैं, स्टैटिक भी रख सकते हैं, लेकिन हम स्टैटिक दे रहे हैं। अब यहाँ से हम इसको क्रिएट कर देंगे। जस्ट गाइज, इतना ही करना पड़ता है। अब हमने एक विलेन क्रिएट कर लिया जिसका विलेन आईडी 101 है और सेल्स के नाम से है। तो अब आपके नेटवर्क में भी 101 सेल्स के नाम से होना चाहिए, तो भी ये फायरवॉल उसको ऑथेंटिकेट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने 192.168.5.1 क्रिएट किया हुआ है, अब ये क्या करेगा, इस नेटवर्क में जितने भी यूजर्स जुड़ेंगे वो सेल्स के विलेन में आएंगे। अब सेल्स का विलेन पे जैसे कोई सेल्स का विलेन क्रिएट ऐड होता है और उसको कोई आईपी एड्रेस मिलता है इसी नेटवर्क का, सेम नेटवर्क का जो हमने अभी क्रिएट किया है, तो वो उसको इंटरनेट पास करेगा। अब मैं आपको अगर मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो गाइज, आप अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि विलेन हमने जो क्रिएट किया है वो डिस्प्ले कैसे होता है। हमारा विलेन सक्सेसफुल क्रिएट हुआ है। हाँ गाइस, थोड़ा सा स्लो मेरा फायरवॉल है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा सेल्स नाम से एक विलेन आईडी हमने जो क्रिएट किया वो यहाँ पे आ गया है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि अब ये हमने हमारा पोर्ट ए पे ही हमने एक सेल्स विलेन क्रिएट किया है जिसका विलेन आईडी 100 है, हार्डवेयर पोर्ट ए और .101 है, और हमने इस विलेन आईडी को ये आईपी एड्रेस दिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्विच में जाना पड़ेगा, आप वहाँ पे विलेन नेम में सेल्स रखेंगे, विलेन आईडी आपको 101 रखना है और विलेन आईडी को फायरवॉल जो ऑथेंटिकेट करेगा 5.1 192.168.5.1 ये नेटवर्क इसके लिए असाइन कर दिया हमने। तो आप कोई भी विलेन आई मेंबर हो जो 101 से विलेन आईडी से जुड़ेगा तो उसको इस सीरीज का नेटवर्क मिलेगा और उसका नेटवर्क फायरवॉल के थ्रू रूट होके ट्रैफिक बाहर भी जाएगा, इन आउट दोनों हो सकता है। अब हम दूसरा विलेन क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हुआ होगा, तो विलेन आईडी 2 क्रिएट करते हैं हम। अब यहां पे डाल देते हैं एचआर। अब इसको भी हमने पोर्ट ए पे रखा है, इसको वाईफाई जोन हम क्रिएट करेंगे, लाइन नहीं बनेंगे, वाईफाई के लिए हम यूज करें। अब इसको रखेंगे हम 100, यहाँ पे हमारा 100 बन रहा है ये विलेन नंबर। अब यहाँ पे हम आईपी देंगे 192.168.0.1 और इसको हम कर देंगे सेव। जस्ट इतने कर हमने नाम नेम एचआर दिया आइडेंटिटी के लिए। हार्डवेयर हमारा होगा पोर्ट ए 100, इंटरफेस पोर्ट ए पे हमने बनाया, जोन हमने वाईफाई रखा। अब हम ये जो विलेन बना रहे एचआर, हमारा एचआर डिपार्टमेंट पूरा वाईफाई जोन में काम करता है, तो हमने विलेन आईडी 100 दिया है एचआर के लिए और ये जोन बना हमारा वाईफाई, तो वाईफाई जोन के लिए हमने एचआर नाम का एक विलेन बनाया है।
जिसको हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो अब आपके नेटवर्क में अभी एचआर डिपार्टमेंट है, आप उसको चाहते हैं कि फुल्ली सिस्को राउटर, सिस्को स्विचेस और ये सारे नेटवर्क इक्विपमेंट आपने लगा के रखा है और आप चाहते हैं उससे प्रॉपर वैलिड तरीके से ऑथेंटिकेट हो, तो आपको इस प्रकार से क्रिएट करना पड़ेगा। और उसको जो विलेन आप नेटवर्क में देंगे वही विलेन आपको यहाँ क्रिएट करनी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एचआर नाम से हमने एक विलेन बनाया जिसकी आईपी 100, विलेन आईडी 100 हमने यहाँ पे दिया हुआ है और इसको नेटवर्क हमने कुछ इस प्रकार का दिया हुआ। अब इस विलेन के लिए हमने ये इंटरफेस क्रिएट कर दिया है जो वर्चुअल नेटवर्क है ये। अब ये क्या करेगा कि इसी नेटवर्क को प्रॉपर वो ऑथेंटिकेट कर, जो भी विलेन मेंबर इस नेटवर्क में आएंगे 0.1 में आएंगे जिनको परमिशन होगी उनको इस सीरीज का नेटवर्क उनको असाइन होगा। तो मेरा ये कहना कि अगर आपके नेटवर्क में फुली मैनेजिंग में विलेन वगैरह क्रिएट किए हैं तो आप इस प्रकार से इसका यूज कर सकते गाइस। तो अगली वीडियो में मैं कुछ राउटर लेके आऊँगा, कुछ स्विचेस लाऊंगा जिसमें मैं ऐड करके आपको एक प्रॉपर मैनेज नेटवर्क बना के दिखाऊंगा। अगर इस टॉपिक में कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज और कमेंट का रिप्लाई करूंगा गाइस। तो आशा करता हूँ मेरा द्वारा दी गई जानकारी से आप काफी संतुष्ट होंगे और मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।